मोटापा हमारे शरीर में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। मोटापा कम करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। कई लोग मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग के नाम पर खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, 99% लोगों को नहीं पता होता कि उनको मोटापा को कम करने का सही तरीका क्या है। इसलिए लोग ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अपना वजन नहीं घटा पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मोटापा कम करने का 100% इफेक्टिव तरीका। इसलिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मोटापा कम करने के लिए हमेशा 3 चीज़ों का ही फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज, डाइटिंग और एक ऐसी चीज़ का सेवन जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज करे और आपके मोटापे को तेजी से कम करने में मदद करे। ये तीनों ही चीज़ें जब आप एक साथ करेंगे तभी आपका मोटापा कम होगा। नहीं तो अगर आप किसी एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने मोटापा को कम करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और कई बार तो कई महीनों से लेकर कई सालों तक आपका लग जाते हैं मोटापा कम करने के लिए। तो चलिए, आप जानते हैं एक्सरसाइज, डाइटिंग और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली चीज़ कैसे हमारे मोटापा को कम करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की कैलोरीज खर्च होती है जिसके कारण हमारे शरीर का मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जितनी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे आपका मोटापा उतना ही ज़्यादा कम होगा। अगले टॉपिक है डाइटिंग। दोस्तों, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप खाना बंद करके पूरा दिन अपने पेट को भूखा रखें। डाइटिंग का मतलब है आप लो कैलोरी वाले चीज़ें खाएं जिनसे आपका पेट भी भर जाए लेकिन आपके शरीर में कम मात्रा में कैलोरी जाए, क्योंकि कैलोरी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण है। जब हम उसको कंट्रोल में खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे कैलोरीज खर्च होंगी तो हमारे शरीर में कैलोरीज का बैलेंस बनेगा जिसके कारण मोटापा कम होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। उनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है जिसके कारण उनका मोटापा कम नहीं हो पाता, वो अपनी कैलोरीज का ज़्यादा बर्न नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले नुस्खे की बात करने जा रहे हैं, वो मोटापा कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 99% लोगों का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है जिसके कारण ज़्यादा एक्सरसाइज और डाइटिंग के बाद भी वो अपने मोटापे को कम नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसे में आप मेरे बताए गए मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले नुस्खे का सेवन करें। ऐसा करने से मोटापा कम होने लगेगा क्योंकि ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको सेब का सिरका लेना है, यानी एप्पल विनेगर 20 ml लेना है। मैं आपको वाओ कंपनी का विनेगर रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये 100% प्योर है। हमने खुद इसे उपयोग करके देखा है, हमें 100% इससे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर इसे खरीद सकते हैं। और आधा ग्लास गर्म पानी लेना है, हमने दोनों को मिलाकर सुबह शाम खाली पेट सेवन करना है। ऐसा करने से आपका मोटापा तेजी से कम होने लगेगा क्योंकि यह आपका मेटाबॉलिज्म को 10 गुना बढ़ा देता है जिसके कारण आपका मोटापा कम एक्सरसाइज, कम डाइटिंग करके भी कम होने लगता है। इससे आपको कुछ ही दिनों में मोटापे से छुटकारा भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वाओ कंपनी का एप्पल विनेगर खरीदें और अपने मोटापे को कम करें, साथ में एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें और एक हेल्दी शरीर पाकर मोटापे से छुटकारा पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या फिर सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।